एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राजू और श्याम। दोनों ही बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन राजू श्याम से कहता है, राजू दोस्त, मैंने सुना है यहाँ से दूर घना जंगल है जहाँ पर एक जादुई घर है। श्याम बोलता है, दोस्त तो हमें वहाँ एक बार जाना चाहिए। फिर दोनों उस जादुई घर की तलाश में अगली सुबह ही निकल जाते हैं। चलते चलते बहुत ही रात हो जाती है, पर उन्हें अभी तक जादुई घर नहीं मिलती है। मगर कुछ दूर और जाने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है। उसे देख दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं, वहाँ उसे एक बड़ी औरत मिलती है। फिर श्याम उस औरत से पूछता है कि काकी, आप इतने दूर अकेले क्या कर रही हैं? बेटा, यही मेरा घर है। तुमसे पहले भी यहाँ बहुत लोग आए थे, मगर सब लालची थे, इसीलिए आज तक यहाँ से वापस लौटकर कोई नहीं जा पाया है। काकी उन्हें खजाने का रास्ता बताती है और साथ में ये भी बताती है कि अगर उस घर में जाते ही तुम्हारे मन में लालच आ गया तो तुम उस घर से वापस कभी नहीं आ पाओगे। फिर वो दोनों खजाने तक चले जाते हैं, मगर खजाना देख दोनों के मन में लालच आ जाता है और दोनों घर में फंस कर रह जाते हैं।